क्लास 12 के चैप्टर 1 ऑर्गेनिज्म इन रिप्रोडक्शन के रिप्रोडक्शन का ये तीसरा क्लास है जिसमें हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये बडिंग में हम लोगों ने देखा है कि बडिंग में कैसे एक सेल से दो सेल बनता है। इसके अलावा अमीबा में हम लोगों ने देखा है कि एक अमीबा का सेल है, एक अमीबा के सेल से कैसे ये दो सेल बनते हैं। दोनों में ये जो है डिफरेंस है, एक में अमीबा के सेल में जो है अमीबा के दो डॉटर सेल जो बन रहे हैं ये दोनों सेम साइज़ के बन रहे हैं, लेकिन यहाँ जो ईस्ट में देख रहे हैं हम लोग कि एक बर्ड जो है छोटा सा बन रहा है और इसके अलावा पेरेंट सेल ये बड़ा सा है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि लेट अस सी हाउ वाइड स्पीड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कितना वाइड जो है ना ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये कॉमन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में, तो ये कॉमन है ही। ये बातचीत हम लोग कर चुके हैं दूसरे क्लास में, ये तीसरा क्लास है, इसमें आगे हम लोग देखेंगे। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है मोस्ट कॉमन है किसमें है, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है और प्लांट और ऑन एनिमल में है, ऐसे प्लांट एनिमल में जो कि सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका ऑर्गेनाइजेशन जो है ये सिंपल है। इसके अलावा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है प्रोटिस्ट हैं या मोनेरन्स हैं, प्रोटिस्ट और मोनेरन्स ये दो हैं, प्रोटिस्ट हैं और जो है ये मोनेरन्स हैं, इसमें भी ये कॉमन है। तो ये देख रहे हैं हम लोग द ऑर्गेनिज्म और द पेरेंट, द ऑर्गेनिज्म और पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू एंड गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स। तो हम लोगों ने ये देखा है कि ये ईस्ट में और ये अमीबा में किस तरह से पेरेंट जो है ये ना दो डॉटर सेल में ये डिवाइड कर रहे हैं। तो ये हमारी हुई ईस्ट के बारे में और अमीबा के बारे में। इसके अलावा और हम लोग देखते हैं यहाँ पे ये डायग्राम है, डायग्राम नंबर देख रहे हैं फिगर 1.3 के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग डायग्राम के बारे में कमांड करते हैं, जब तक डायग्राम के बारे में कमांड नहीं कर पाएंगे फिर आगे समझने में दिक्कत होगी। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्ट्रक्चर्स जो हैं जू स्पोर्ट्स होते हैं, क्लैडोमोनास में ये होते हैं, क्लैडोमोनास में कॉनिडिया होता है, पेनिसिलिया में बर्ड्स होता है, हाइड्रा में और गैम्यूल्स होते हैं स्पंज में। इसके बारे में हम लोग देखते हैं ये जो स्ट्रक्चर है, ये सी स्ट्रक्चर जो है बर्ड का ये हाइड्रा में है, यहाँ पे हाइड्रा में है, ये देख रहे हैं हम लोग बर्ड्स जो हैं ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, हाइड्रा का ये माउथ है। इसके अलावा हम ये देख रहे हैं नंबर वन जो है जू स्पोर्ट्स हैं ये क्लैडोमोनास है, ये ऑर्गेनिज्म जो है ये क्लैडोमोनास है, क्लैडोमोनास से जो है ना बहुत सारे जू स्पोर्ट्स निकले हुए हैं। इसके बाद जो है क्लैडोमोनास ये इम्पॉर्टेंट है, ये कोनिडिया का ये डायग्राम है। तो कोनिडिया का जो स्ट्रक्चर है ये पेनिसिलियम है, ये पूरा जो डायग्राम है ये पेनिसिलियम है, ये ऊपर कोनिडिया जो है ऐसे ये रहता है, ये फिर कोनिडिया डिटैच होकर जर्मिनेट करके आपका पेनिसिलियम बनाता है। तो ये बी नंबर जो है पेनिसिलियम का है। इसके अलावा हम लोग ये हाइड्रा तो देख ही चुके हैं और गिम्यूल्स ये जो है डी स्ट्रक्चर जो है गिम्यूल्स है, गिम्यूल्स ये जो है किस में बनता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये स्पंज में देखा है हम लोगों ने कि गिम्यूल्स की स्ट्रक्चर बनती है स्पंज में। तो ये चार स्ट्रक्चर है रिप्रोडक्टिव सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, जू स्पोर्ट्स हैं क्लैडोमोनास में हैं, जू स्पोर्ट्स जो हैं क्लैडोमोनास में हैं, और कोनिडिया किस में है तो ये पेनिसिलिया में है, और बर्ड किस में है तो बर्ड हाइड्रा में है, और गिम्यूल्स किस में है तो ये स्पंज में है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि सेल डिवीज़न जो है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, इट्सेल्फ इज़ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अपने आप में ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। मेनी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म
रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फ्यूजन, ये बता रहा है कि बहुत सारे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में, बहुत सारे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में बाइनरी फ्यूजन होता है। बाइनरी फ्यूजन होता है वेयर ए सेल डिवाइड करा कि वहाँ पे बाइनरी फ्यूजन में सेल डिवाइड करता है, सेल डिवाइड करता है, सेल डिवाइड करता है। बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है, सेल डिवाइड करता है, बाइनरी फ्यूजन में सेल डिवाइड करता है और बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है, सेल डिवाइड करता है, बाइनरी फ्यूजन में सेल डिवाइड करता है और डिवाइड करने के बाद जो है यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि बाइनरी फ्यूजन में सेल डिवाइड इनटू टू हाफ्स, हाफ में दो भागों में बढ़ता है, ईच रैपिडली ग्रो इनटू एडल्ट, और दोनों जो है ग्रो करके एडल्ट हो जाता है। एग्जाम्पल में अमीबा, अमीबा क्या रहा, पारामीशियम में भी बाइनरी फ्यूजन का एग्जाम्पल ये है, अभी हम लोगों ने डायग्राम भी उसका देखा है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इन ईस्ट, ईस्ट के केस में क्या है, द डिवीज़न इज अनइक्वल, डिवीज़न अनइक्वल, एक बड़ा पेरेंट्स रह जाता है और बर्ड जो है छोटा होता है, स्मॉल बर्ड आर प्रोड्यूस दैट रिमेन अटैच इनिशली टू द पेरेंट सेल विच Eventually get separated and mature into new yeast organism, जो बाद में बर्ड जो है अलग हो जाता है और वो फिर नया ऑर्गेनिज्म बनाता है। अब आगे देखते हैं हम लोग कि यहाँ पे कह रहा है कि member of a kingdom fungi, कह रहा है कि fungi में ये जो है kingdom fungi की बात कर रहे हैं, and simple plant, और जो दूसरे simple plant है जैसे कि अलगी है, अलगी है, रिप्रोड्यूस थ्रू स्पेशल एसेक्सुअल स्ट्रक्चर के थ्रू ये रिप्रोड्यूस करता है। इसमें कह रहा है कि मोस्ट कॉमन जो है ये जू स्पोर्ट्स हैं, जू स्पोर्ट्स हैं, यूजली आर माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर होते हैं, ये जू स्पोर्ट्स जो होते हैं, ये जू स्पोर्ट्स जो होते हैं, ये जो जू स्पोर्ट्स हैं, जू स्पोर्ट्स यूजली माइक्रोस्कोपिक छोटे होते हैं और मोटाइल स्ट्रक्चर होते हैं। इसके अलावा बता रहा है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो दूसरे स्ट्रक्चर हैं उसके बारे में बता रहा है कि बर्ड्स हैं, क्या है ये, बर्ड्स हैं, बर्ड्स किस में हैं, हाइड्रा में हैं। इसके अलावा बता रहा है कि कोनीडिया है, कोनीडिया किस में है, पेनिसिलियम में है, और कह रहा है कि गिम्यूल्स हैं, गिम्यूल्स किस में हैं, तो स्पंज में हैं। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जू स्पोर्ट्स जो हैं ये क्लाइडोमोनास में है, कोनिडिया पेनिसिलिया में है, बर्ड्स जो हैं बर्ड्स हाइड्रा में है, और गिम्यूल्स जो हैं स्पंज में है। हम लोग क्या करेंगे, इनिशियली ये डायग्राम के ऊपर कमांड करेंगे, वंस वी हैव कमांड ओवर डायग्राम देन इट विल बी ईजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट टाइप ऑफ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सो यू मस्ट हैव कमांड ओवर द डायग्राम, हम लोग डायग्राम के बारे में कमांड करेंगे। इसके अलावा अब हम लोग देख रहे हैं फिगर 1.4 हम लोग देख लें। फिगर 1.4 में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन प्रोपेग्यूल्स हैं, ये फिगर 1.4 में ये वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स हैं, ये वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स हैं, इसके डायग्राम दिया हुआ है। तो ये वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स क्या क्या हैं, यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपिग्यूल्स ये डायग्राम में हम देखते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपिग्यूल्स में नंबर वन ए है आईज ऑफ पोटैटो, और बी में राइजोम ऑफ जिंजर है, सी में बुलबिल ऑफ एगेव है, डी में है लीफ बर्ड्स ऑफ ब्रायोफाइलम है, और ई जो है ऑफसेट ऑफ वाटर हाइसिंथ है। तो ये सारे के डायग्राम हम लोग देखते हैं यहाँ पे, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं आई ऑफ पोटैटो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये जो है ये डायग्राम आई ऑफ पोटैटो है, यहाँ पे जर्मिनेटिंग बर्ड्स हैं, ये आईज हैं, इसको अगर यहाँ पे काट के फिर जमीन वगैरह में लगाया जाए तो यहाँ से जो है एक नई पोटैटो की प्लांट देखने को मिलती है। ये जो है जिंजर है, ये जिंजर्स में ये नोड दिख रहे हैं, नोड से जो है बहुत सारे बर्ड्स निकलते हैं, ये डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं कि नोड्स में जो है नोड्स से बहुत सारे बर्ड्स निकलते हैं, ये एडवांटेजियस रूट्स है यहाँ पे, ये नोड से बर्ड्स निकलते हैं जो जर्मिनेट करके फिर न्यू प्लांट बनाते हैं। फिर सी हम लोग देख रहे हैं बुलबिल है, ये
बुलबिल है, ये डायग्राम जो सी का है, ये सी का ये डायग्राम बुलबिल है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। और डी में देख रहे हैं हम लोग कि ब्रायोफाइलम का लीफ है, इससे लीफ के मार्जिन पे जो है यहाँ पे जर्मिनेट हो रहा है, छोटे छोटे प्लांट जर्मिनेट हो रहा है, ये फिर डिटैच होके ये अलग से न्यू इंडिविजुअल प्लांट ये बनाते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि ये जो वेजिटेटिव प्रोपिग्यूल्स हैं इन एंजियोस्पर्म में, जैसे कि आई है पोटैटो में, राइजोम है जिंजर में, बल्बिल है ये एगेव में, लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम है ना ऑफसेट ऑफ वाटर हाइसिंथ है, इसके बारे में हम लोग आगे यहाँ पे देखते हैं। कह रहा है कि हैव यू लर्न अबाउट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन क्लास 11। कह रहा है कि आप जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में देख चुके हैं, कहाँ देख चुके हैं, क्लास 11 में देख चुके हैं। कह रहा है कि व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं, इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑल्सो ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। व्हाई डू यू से सो, आप इस तरह ऐसा कैसे कह सकते हैं, इज द टर्म क्लोन एप्लीकेबल टू द ऑफस्प्रिंग फॉर्म बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कह रहा है कि यहाँ पे जो टर्म क्लोन है, टर्म क्लोन यहाँ पे जो है ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के केस में लागू हो सकता है क्या? तो अब हम यहाँ पे इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। वाइल इन एनिमल एंड अदर सिंपल ऑर्गेनिज्म द टर्म एसेक्सुअल इज यूज्ड। कह रहा है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है यूज किया जाता है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना। कह रहा है कि टर्म वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड, इसके अलावा इन प्लांट द यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। कह रहा है कि प्लांट में जो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, जैसे कि रनर होता है ये, राइजोम होता है, सकर होता है, ट्यूबर होता है, ऑफसेट होता है, बल्ब होता है, ये सारे कैपेबल हैं गिविंग राइज टू न्यू ऑफ स्प्रिंग, ये जो है सारे न्यू स्प्रिंग देते हैं। दिस स्ट्रक्चर आर कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स, इनसे जो ऑफ स्प्रिंग बनता है उसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। सिंस द फॉर्मेशन ऑफ दिस स्ट्रक्चर डज नॉट इन्वॉल्व टू पेरेंट्स, द प्रोसेस इन्वॉल्व इज एक्सुअल। कह रहा है कि इसमें दो पेरेंट्स की जरूरत नहीं होती है, इसलिए ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मैथड हैं। फिर कह रहा है कि देखिए, ये टेरर ऑफ बंगाल आपने सुना होगा, टेरर ऑफ बंगाल जो है ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द एक्वेटिक प्लांट वाटर हायसिंथ है, ये वाटर हायसिंथ जो है इसको टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इन्वेसिव बर्ड्स वीड्स। इन्वेसिव वीड्स माने फैलने वाला, ग्रोइंग व्हेनेवर देयर इज अ स्टैंडिंग वाटर। कह रहा है कि जहाँ भी खड़ा वाटर है वहाँ पे ये वाटर हायसिंथ ग्रो करता है। इट ड्रेन ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। कह रहा है कि वाटर हायसिंथ जो है ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है, विच लेड टू डेथ ऑफ फिशेस। तो पानी में जो मछली रहती हैं ऑक्सीजन सब ये एब्जॉर्ब कर लेता है, इसके कारण ये मर जाती हैं, मछलियाँ जो हैं मर जाती हैं, क्योंकि वाटर हायसिंथ सारे ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये स्टैंडिंग वाटर में होता है, इसको टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं। कह रहा है कि आप जो हैं चैप्टर 13 और 14 में डिटेल में पढ़ेंगे। कह रहा है आगे कि यू मे फाइंड इट इंटरेस्टिंग टू नो दैट प्लांट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। कह रहा है कि प्लांट को लाया गया था इंडिया, ब्यूटीफुल इसके फ्लावर थे और शेप ऑफ जो लीफ था काफ़ी अच्छा अट्रैक्टिव था, इसलिए इसको लाया गया था।
लेकिन ना उसके बाद क्या हुआ, सिंस इट कैन प्रोपेगेट वेजिटेटिवली, ये वेजिटेटिवली जो है ग्रोथ करता है और फेनोमिनल रेट काफ़ी ज़्यादा स्पीड से स्प्रेड ऑल ओवर द वाटर बॉडी इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जिसके कारण जो है और इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट रीड ऑफ देम, इसे छुटकारा पाना बहुत ही मुश्किल है। अब आगे ये बता रहा है कि यू आर एवर दैट प्लांट लाइक पोटैटो, ये पोटैटो जो प्लांट है, सुगर कैन प्लांट है, बनाना प्लांट है, जिंजर प्लांट है, डहलिया आर कल्टिवेटेड, कैसे ये कल्टिवेटेड किया जाता है। हैव यू सीन ए स्मॉल प्लांट, करेक्ट, इमर्जिंग फ्रॉम द बर्ड, ये आई जो है, ये आई जो होते हैं पोटैटो ट्यूबर से, इससे होता है। राइजोम जो है, ये राइजोम ऑफ बनाना, जो बनाना का प्लांट है उसके नीचे जो है ये राइजोम होता है, उससे नया प्लांट निकलता है। और जिंजर जो है ये, तो ये सारे जो हैं, ये सारे चीज़ों में इंटरेस्टिंग ये है कि जो नोड प्रेजेंट होते हैं, नोड इसमें जो नोड प्रेजेंट होते हैं, मॉडिफाइड स्टेम ऑफ द प्लांट ये होते हैं। व्हेन अ नोड कम इन कॉन्टेक्ट विद द डैम सॉयल, नोड जब डैम सॉयल या वाटर के कॉन्टेक्ट में आता है, दे प्रोड्यूस रूट एंड न्यू प्लांट, उस समय वो न्यू प्लांट देते हैं। ये कह रहा है कि सिमिलरली इसी तरह से जो है ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम में लीफ के मार्जिन जो है वहाँ से नए प्लांट आते हैं। कह रहा है यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द कॉमन मैथड, कह रहा है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है कॉमन मैथड है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म दैट हैव रिलेटिव सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वेरी सिंपल है, जैसे कि अलगी है, अलगी है या फिर फंजाई है, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। दे शिफ्ट टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैथड ऑफ सेप्रोडक्शन जस्ट बिफोर वन ऑफ द एडवर्स कंडीशन, कह रहा है कि ये एडवर्स कंडीशन अगर कभी आता है तभी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ओर ये शिफ्ट होता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ओर ये शिफ्ट होता है। तो ये जो है यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि एडवर्स इफेक्ट जब होता है तब हायर प्लांट में जो है, सिंपल प्लांट में जैसे कि फंजाई है या फिर अलगा है, फंजाई या अलगा है, ये फंजाई या अलगा, एडवर्स कंडीशन में ही जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे ये शिफ्ट होते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, अभी तक हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देखा, अब हम लोग जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ओर मूव कर रहे हैं कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये क्या है, कैसे होता है। तो अब हम लोग देख रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व, ये इन्वॉल्व करता है फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, मेल एंड फीमेल गैमेट्स आइदर बाय द सेम इंडिविजुअल, एक ही इंडिविजुअल के द्वारा मेल एंड फीमेल होता है या फिर अलग अलग इंडिविजुअल के द्वारा मेल एंड फीमेल गैमेट होता है जो अपोजिट सेक्स के होते हैं। कह रहा है कि गैमेट फ्यूज टू फॉर्म जायगोट, ये कह रहा है कि गैमेट जो हैं, ये गैमेट जो हैं वो फ्यूज करते हैं और क्या बनाते हैं, फॉर्म क्या करते हैं, ये जायगोट बनाते हैं, विच डेवलप, वो बाद में फिर डेवलप करता है टू फॉर्म द न्यू ऑर्गेनिज्म, ये न्यू ऑर्गेनिज्म ये बनाता है। इट इज़ एन एलबोरेट एंड कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस, कह रहा है कि ये स्लो प्रोसेस है एज कम्पेयर टू द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अपेक्षा जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्लो है, बिकॉज ऑफ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, ये जो फ्यूजन हो रहा है किसका फ्यूजन हो रहा है, मेल गैमेट का हो रहा है और फीमेल गैमेट का ये फ्यूजन यहाँ पे हो रहा है, इसके चलते सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है और रिजल्ट क्या आ रहा है, ऑफ स्प्रिंग आ रहा है, न्यू प्रोजेनी आ रहा है, नया चाइल्ड आ रहा है, बच्चा आ रहा है उसका, न्यू ऑफ स्प्रिंग दैट इज़ नॉट आइडेंटिकल टू पेरेंट, वो क्या है कि ये जो आ रहे हैं वो आइडेंटिकल नहीं होते हैं पेरेंट के, ये पेरेंट के आइडेंटिकल नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं ये हम लोग इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब हो रहा है तो उसके
ऑफस्प्रिंग जो है नॉट आइडेंटिकल हो रहे हैं, अपने पेरेंट्स के आइडेंटिकल नहीं हो रहे हैं, थोड़ी बहुत उसमें वेरिएशन हो रही है, तो इसके बारे में हम लोग इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम लोग आगे देख रहे हैं, स्टडी ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिज्म कर रहा है कि जो डाइवर्स ऑर्गेनिज्म है इसका जो स्टडी करते हैं, प्लांट में स्टडी करते हैं, एनिमल में करते हैं या फिर फंजाई में करते हैं, सो दैट दे डिफर सो ग्रेटली इन एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, कर रहा है कि एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में जो है सब और इंटरनल जो है इसका स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी सब में ये डिफर करते हैं। व्हेन इन कम्स टू सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सरप्राइजिंगली दे शेयर ए सिमिलर पैटर्न, कर रहा है कि प्लांट हो या एनिमल हो या फंजाई हो, सबका स्ट्रक्चर आकार प्रकार फिजियोलॉजी सब अलग हो, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आती हो तो सब में सिमिलर होता है, दो गैमिट्स होते हैं, वो जायगोट बनाते हैं, फिर आगे डेवलपमेंट होता है। तो इस तरह से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग देख रहे हैं। कह रहा है कि ऑल ऑर्गेनिज्म हैज टू रीच ए सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ, इसमें ग्रोथ होता है और फिर मैच्योरिटी होती है इन देयर लाइफ। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि सबसे पहले जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया तो जो न्यू स्प्रिंग बने उसमें ग्रोथ होगी, फिर मैच्योरिटी होगी, फिर वो सेक्सुअल बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। तो ये चीज़ें हम लोग देख रहे हैं कि ग्रोथ होता है और मैच्योरिटी होता है, उसके बाद फिर सेक्सुअल मैच्योरिटी ये होती है। द यहाँ पे आगे देख रहे हैं, द पीरियड ऑफ ग्रोथ इज, जो ऑफस्प्रिंग हो रहे हैं वो ग्रोथ कर रहे हैं, और द पीरियड ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड जुवेनाइल फेज, जो नए ऑफस्प्रिंग बन रहे हैं वो ग्रोथ कर रहे हैं, उस पीरियड को कहते हैं जुवेनाइल फेज। दिस इट इज नॉन एज वेजिटेटिव फेज, इसको वेजिटेटिव फेज भी कहते हैं। इन दिस फेज इट इज अ वेरिएबल ड्यूरेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, कह रहा है कि ये वेजिटेटिव फेज जो है वो अलग अलग फेज का हो रहा है। जैसे कि बता रहे, जैसे कोई आम का पौधा है, अगर उसके छोटे आम का सीड जो है वो जर्मिनेट करता है, तो जर्मिनेट करते के साथ ही उसमें फिर आम नहीं आने लगता है, वो पौधा जो है मैच्योर होगा, उसमें फिर फल और फूल आएंगे, फिर वो उसका सीड बनेगा, फिर वो जाएगा, तो एक साइकिल है। कोई भी प्लांट जो है वो फिर अगर वेजिटेटिव फेज में, जुवेनाइल फेज में छोटा है अगर, तो जैसे आम का पौधा है तो अभी आम का पौधा जैसा जर्मिनेट उसका सीड कर रहा है, तो जर्मिनेट करने के बाद पौधा वो मैच्योर करेगा, वेजिटेटिव फेज में रहेगा, मैच्योर करने के बाद फिर उसमें जो है, जो मैच्योर फेज होता है, वेजिटेटिव फेज होता है, उसको हम लोग जुवेनाइल फेज भी कहते हैं। जुवेनाइल फेज में वो फिर इतना मैच्योर नहीं होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो करने लगे। आगे हम लोग ये देखते हैं, कह रहा है कि इन द एंड ऑफ वेजिटेटिव फेज, इन द एंड ऑफ वेजिटेटिव फेज या फिर जुवेनाइल फेज, विच मार्क्स द बिगनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज, अगर वो ख़त्म हो गया तो ये रिप्रोडक्टिव फेज उसका स्टार्ट होता है। कैन बी सीन इजली इन हायर प्लांट्स, हम लोग हायर प्लांट में इसको देख सकते हैं। व्हेन दे कम टू फ्लावर, इसमें जो फ्लावर वगैरह आता है फिर वो सेक्सुअल वाले मोड में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फेज में वो इंटर कर सकते हैं। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर मैरीगोल्ड, कह रहा है कि ये मैरीगोल्ड जो है, या राइस है, वीट है, कोकोनट है, या मैंगो प्लांट है, फ्लावरिंग जब इसमें हो रहा है वो कितने दिन में फ्लावरिंग हो रहा है, कितने साल में, तो सब में अलग अलग है। इन सम प्लांट वेयर फ्लावरिंग ऑकर मोर देन वंस, वॉट वुड बी कॉल फॉर द इंटर फ्लावरिंग पीरियड, जुवेनाइल और मैच्योर, कह रहा है कि हम लोग उसको क्या कहेंगे जो साल में दो चार बार उसमें फ्लावरिंग हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे। तो ये अलग अलग प्लांट है, इसके बारे में कह रहा है कि ऑब्जर्व फ्यू ट्री इन योर एरिया, कह रहा है कि अपने एरिया में जो है उसको आप स्टडी कीजिए। डू द फ्लावर ड्यूरिंग द सेम मंथ ईयर एंड ईयर आफ्टर ईयर, कह रहा है कि ये जो फ्लावर हैं आपके एरिया में, जो पेड़ पौधे हैं वो फ्लावर देते हैं
सेम ईयर और मंथ में देते हैं क्या? तो ये सारी चीज़ें हैं, अलग अलग हैं। तो यहाँ पे बता रहा है कि कुछ प्लांट जो होते हैं अलग अलग प्लांट होते हैं, कुछ जो होते हैं एनुअल प्लांट होते हैं फ्लावर, कुछ बाइनियल प्लांट्स होते हैं। सो क्लियर कट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड सेनेसेंस फेज, कह रहा है कि इसमें जो है रिप्रोडक्टिव फेज अलग दिखता है और सेनेसेंट फेज जो है वो अलग दिखता है। बट इन पेरी एनियल स्पीसीज इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टू क्लियरली डिफाइन दीज फेजेस, कह रहा है कि हर प्लांट में जो है वेजिटेटिव फेज होता है, रिप्रोडक्टिव फेज होता है, सेनेसेंस फेज होता है ये, लेकिन पेरिनियल जो स्पीसीज हैं, पेरिनियल स्पीसीज उसमें बहुत डिफिकल्ट होता है। अब हम लोग आगे देखते हैं एक बैम्बो जो बांस का पौधा होता है उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं कि सम ऑफ देम सच एस बैम्बो स्पीसीज, बांस जो है इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं, इसका जो फ्लावर होता है बांस का फ्लावर होता है वंस इन देयर लाइफ टाइम, जीवन में एक ही बार होता है, जनरली 100 से लेके 50 से लेके 100 साल के बीच में होता है, प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट एंड डाई, ये 50 से 100 साल के बीच में ये फ्लावर ये जो है नार नंबर ऑफ फ्रूट देता है, उसके बाद ये डाई कर जाता है। करेगी दूसरा अनदर प्लांट, दूसरे अनदर प्लांट के बारे में हम लोग देखते हैं एस्ट्रोबिलैंथस के बारे में हम लोग देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है ये एस्ट्रोबिलैंथस। ये एस्ट्रोबिलैंथस जो है कंठियाना एस्ट्रोबिलैंथस कंठियाना नीला कुरंजी इसको भी बोलते हैं, नीला कुरंजी बोलते हैं। कह रहे हैं कि फ्लावर देता है वंस इन 12 ईयर, 12 साल के बाद। एस मैनी ऑफ यू वुड बी नोइंग दैट दिस फ्लावर प्लांट फ्लावर ड्यूरिंग सेप्टेम्बर एंड अक्टूबर 2006 में जो है ना ये फ्लावर दिया था, 2006 में ये फ्लावर दिया था। कहाँ पे था ये? केरला में था, कर्नाटका में था, तमिलनाडु में था। तो इसमें बहुत सारे टूरिस्ट जो हैं इसको देखने जाते हैं। ये जो है इन एनिमल, कह रहा है कि एनिमल में क्या होता है, जुवेनाइल फेज जो है फॉलोड बाई मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंज प्रायर टू एक्टिव रिप्रोडक्टिव बिहेवियर, कह रहा है कि जो मॉर्फोलॉजी है और जो फिजियोलॉजी होता है उसमें चेंज दिखता है। कब दिखता है? रिप्रोडक्टिव बिहेवियर आने के पहले दिखता है। द रिप्रोडक्टिव फेज इज ऑल्सो वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, सारे जो है सब में डिफरेंट ड्यूरेशन का होता है। कह रहा है कि अब ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कैन यू लिस्ट चेंज सीन इन ह्यूमन बींग, कह रहा है कि ह्यूमन बींग में जो है क्या क्या इंडिकेटिव है जो बताता है कि रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आ रही है। तो टीन एजर्स जो हैं 13 to 19 में जो है ये रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आती है, एक सिंपल जो है ये इंडिकेशन है, जैसे दाढ़ी मूछ वाली जो चीज़ें हैं, दाढ़ी मूछे अगर बच्चों में आ गई तो ये मानना है कि वो टीन एजर्स हैं और उसमें रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी वो अटेंड कर रहे हैं। तो नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं अमंग एनिमल फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स, कह रहा है कि बर्ड्स में ये क्या है, बर्ड्स में कैसे होता है, डू दे ले एग ऑल थ्रू द ईयर, क्या है सालों भर देते हैं और इट इज़ सीजनल फेनोमेनन या किसी सीजन में होता है। व्हाट अबाउट अदर ऑर्गेनिज्म लाइक फ्रॉग में क्या होता है, लिजार्ड्स में क्या होता है, यू विल नोटिस दैट द बर्ड्स लिविंग इन नेचर ले एग्स ओनली सीजनली, कह रहा है कि बर्ड्स जो है सीजनली एग्स देता है, लेकिन ये पोल्ट्री फॉर्म वगैरह में क्या है वो मेडिसिन वगैरह के थ्रू जो है थ्रू आउट एग जो है वो थ्रू आउट एयर देती हैं, वो क्या है पोल्ट्री फॉर्म में ये इस तरह की एक्टिविटी की जाती है कि वो बर्ड्स जो हैं वो सीजनली होती हैं, लेकिन पोल्ट्री फॉर्म में जो है एग्स वो सालों भर देते रहती हैं। कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन होता है फॉर ह्यूमन वेलफेयर के लिए। आगे हम लोग देखते हैं द फीमेल ऑफ प्लेसेंटल एनिमल्स एक्सिबिट साइक्लिक चेंज,
in their activities of ovaries and accessory duct as well as hormone during the reproductive phase. कह रहा है कि यहाँ पे important है, कह रहा है कि non primates animals, क्या क्या example non primates में है, cow है, sheep है, rat है, deer है, dog है, tiger है और etc. such cyclic change during reproduction are called osteous, osteous cycle इसको बोलते हैं, ये osteous cycle होता है. लेकिन प्राइमेट्स में क्या होता है, प्राइमेट्स में कह रहा है कि इन प्राइमेट्स, प्राइमेट्स में क्या आ गया, मंकी आ गया, एप्स आ गया और ह्यूमन बीइंग आ गया. इसमें इसमें मेंस्ट्रुअल मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है. यहाँ दो साइकिल हम लोग देख रहे हैं, एक ऑस्टियस साइकिल जो है और एक जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये आ रहा है. डिफ्रेंसेस कभी कभी आते हैं एक या दो नंबर के लिए कि ऑस्टियस साइकिल क्या है और मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, ये किस में होता है. तो प्राइमेट्स में जो है मंकी है, एप्स है या फिर ह्यूमन है, इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है. आगे बता रहा है कि इन मैमल्स, मैमल्स में ह्यूमन बीइंग में स्पेशली मैमल्स जिसमें ह्यूमन बीइंग भी आता है, स्पेशली दोज लिविंग इन नेचुरल नेचुरल कंडीशन की बात हम लोग कर रहे हैं. दोज लिविंग इन नेचुरल लिविंग इन ये जो है यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, स्पेशली दोज लिविंग इन अ नेचुरल वाइल्ड कंडीशन एक्सिबिट सच साइकिल ड्यूरिंग फेवरेबल सीजन इन देयर रिप्रोडक्टिव, इन देयर रिप्रोडक्टिव फेज एंड देयर फोर कॉल्ड सीजनल ब्रीडर्स, सीजनल ब्रीडर्स उनको सीजनल ब्रीडर्स कहते हैं. कह रहे हैं कि मेनी अदर मैमल्स आर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज एंड हैंस कॉल्ड कंटिन्यूस ब्रीडर. तो ब्रीडर यहाँ दो तरह के हो गए, एक सीजनल ब्रीडर हो गए, सीजनल ब्रीडर, और जो है दूसरा ये कंटिन्यूस ब्रीडर हो गए. तो मैमल्स में हम लोग देख रहे हैं दो तरह के मैमल्स हो गए, एक सीजनल ब्रीडर हो गए, एक सीजनल ब्रीडर, एक सीजनल ब्रीडर हो गए किसी खास सीजन में ही देंगे, और दूसरा जो है वो सालों भर जो है बच्चे देते रहेंगे, इसको कंटिन्यूस ब्रीडर कहते हैं. तो दो तरह के हम लोग मैमल्स में देख रहे हैं, मेनी मैमल्स दो तरह के, एक सीजनल ब्रीडर्स हो गए और दूसरा जो है ये कंटिन्यूस ब्रीडर हो गए. तो ये सारी जो डाटा हैं थोड़ी बहुत है रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड हुए रिलेटेड. तो यहाँ पे जो है हम लोग देखते हैं कि ऑफस्प्रिंग जो है उसमें जुवेनाइल फेज होता है, ऑफस्प्रिंग में जुवेनाइल फेज होता है, उसके बाद जो है वो मैच्योरिटी फेज होती है, फिर रिप्रोडक्टिव फेज होती है और लास्ट में सेनेसेंस फेज होती है, जब वो पौधा है या फिर एनिमल है वो मर जाता है, ओल्ड एज हो जाता है, ओल्ड एज होता है, सेनेसेंस हो जाता है. ये देर आर कमिटमेंट चेंजेस इन द बॉडी, कह रहा है कि जब सेनेसेंस होता है, जब सेनेसेंस होता है या ओल्ड एज होता है, सेनेसेंस हो गया या फिर ओल्ड एज हो गया, तो चेंज इन द बॉडी आता है, स्लोइंग ऑफ मेटाबॉलिज्म हो जाता है, उसका मेटाबॉलिज्म जो है स्लो हो जाता है. ड्यूरिंग दिस लास्ट फेज ऑफ लाइफ स्पैन ओल्ड एज अल्टीमेटली लेड टू डेथ. सेनेसेंस के बाद जो है वो डेथ वाली स्थिति होती है, सेनेसेंस के बाद फिर ये डेथ होती है. सेनेसेंस में क्या होती है, मेटाबॉलिज्म कम हो जाती है, मेटाबॉलिज्म इसमें कम हो जाती है. फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ये हम लोग नेक्स्ट